हेलो एवरीवन, ये वीडियो बैंगलोर एयरपोर्ट से है। ये वीडियो 26 मार्च का है, जिस दिन मैं जा रही थी बैंगलोर से सूरत एयरपोर्ट पे। सबसे पहले मैं वहाँ का क्राफ्ट सर्च करती हूँ कि आप लोगों के लिए मैं कुछ शूट कर सकूँ। हर सिटी के एयरपोर्ट में वहाँ का कुछ स्पेशल क्राफ्ट या हैंडीक्राफ्ट का एक स्टॉल तो रहता ही है। के बीच मुझे ये स्टोर दिखा जहाँ पर सुंदर सुंदर मूर्तियाँ डिस्प्ले में थीं, और इसके साथ था एक स्पेशल तोरण जिसे आप अपने डोर पर, वॉल पर या फिर मंदिर के ऊपर लगा सकते हैं। इसको बनाने का मेकिंग वीडियो हम जल्द ही अपने चैनल पर भी अपलोड करेंगे। इस टाइप के हैंगिंग्स साउथ में मैसूर, बेंगलोर जैसी सिटी में भी आपको मंदिरों के पास देखने को मिलेंगे। ये अक्सर लोग अपने घरों पर, मेन डोर पर या फिर अपने पूजा स्थान पर लगाते हैं। ये हैंगिंग पैलेस में रहने वाले हाथियों के फेस पर लगाए जाने वाले डेकोरेटिव हैंगिंग की तरह ही है, जो कि राजा महाराजाओं के हाथियों पर लगाए जाते हैं। सूरत 1 घंटा 40 मिनट की दूरी पर है। फ्रेंड्स, मैं अपने एक फैमिली इवेंट के लिए सूरत जा रही हूँ। सूरत में मेरी ताई जी और दीदी रहती हैं, और अब हम बेंगलोर की धरती को छोड़कर हवा में फ्लाई कर रहे हैं। बादलों के बीच पहुंच चुकी हूं और आपको यहां का व्यू दिखा रही हूं। वीडियो को यहीं रोकते हुए मैं आगे अब आपको मिलूंगी सूरत एयरपोर्ट आने के पहले। अनाउंसमेंट हो चुकी है और सूरत एयरपोर्ट आने ही वाला है। तो फ्रेंड्स, यहां का जो ये व्यू है, ये मैंने पहले भी देखा हुआ है और ये मैं कैप्चर करना ही चाहती थी। यहाँ ऊपर से काफ़ी पानी का जो भाव और मोड़ आपको क्लियरली दिखता है, वो सुंदर है। अब आपको कराते हैं हम ताप्ती नदी के दर्शन। इस समय हम ताप्ती नदी के ऊपर से जा रहे हैं। ट्रेन में बड़ी नदियां आते ही लोग अपने पॉकेट से सिक्का निकाल कर नदी में समर्पित करते हैं, पर यहां पर ऐसा नहीं हो सकता। अब हमारी फ्लाइट लैंड करने वाली है कपड़ा एंड डायमंड सिटी सूरत में। सूरत में डायमंड की डिजाइनिंग और कटिंग का बहुत ही सुंदर काम होता है। सूरत में कई डायमंड की फैक्ट्रियां हैं, जो कि सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में डायमंड की सप्लाई करती हैं, और साथ में सूरत साड़ी और कपड़े के लिए तो फेमस है ही। तो चलिए, अब हम सूरत की धरती पर आ चुके हैं। डायमंड बुश, जो कि इंडिया का सबसे नंबर वन का डायमंड बुश है, वो सूरत में ही है, जो कि पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट करता है डायमंड के बिजनेस को। एग्जिट गेट से एग्जिट होने के बाद मैं कुछ भी यहाँ का क्राफ्ट आपके लिए नहीं रिकॉर्ड कर सकी हूँ। रिटर्न जाते टाइम मैं ज़रूर वहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल्स होंगे एयरपोर्ट के अंदर, उन्हें ज़रूर कैप्चर करूँगी। आपको अगर हमारा एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट हैंडीक्राफ्ट एक्सप्लोर करने का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें इसी तरह मोटिवेट करने के लिए अपने अच्छे अच्छे कमेंट देते रहें। सूरत से बहुत सारी एक्साइटेड वीडियो आपके लिए आने वाली हैं। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।